कोरोना के खिलाफ जीत का एक ही मंत्र है और वो है सावधानी। लेकिन योगी सरकार सिर्फ सावधानी पर जोर नहीं दे रही है, उसने 1 मई से होने वाले वैक्सीनेशन को लेकर भी कमर कस ली है। अब यूपी सरकार वैक्सीनेशन के लिए ग्लोबल टेंडर निकालने जा रही है, क्योंकि जितनी वैक्सीन यूपी को चाहिए उतनी है ही नहीं। यही वजह है कि महामारी के खिलाफ महाअभियान की शुरुआत होने जा रही है, मतलब दुनिया भर से लाएंगे वैक्सीन। देखिए ये तो कोरोना की लड़ाई योगी ने ताकत लगाई, दुनिया भर से लाएंगे लेकिन वैक्सीन लगाएंगे। यूपी में कोरोना के बढ़ते संक्रमण को खत्म करने के लिए जहां एक तरफ योगी सरकार लॉकडाउन का सहारा ले रही है, वहीं वैक्सीन लगाने के लिए यूपी सरकार अब ग्लोबल टेंडर निकालने जा रही है। यूपी में 9 करोड़ वैक्सीन की डिमांड, टीके की सप्लाई के लिए ग्लोबल टेंडर की तैयारी। 1 मई से शुरू होने वाले कोरोना वैक्सीनेशन को लेकर यूपी सरकार महामारी के खिलाफ महायुद्ध की तरह अभियान चलाने जा रही है। वैक्सीनेशन के लिए बनाई गई कमेटी ने ग्लोबल टेंडरिंग कराने की सिफारिश की है, क्योंकि जितनी वैक्सीन यूपी को चाहिए उतनी वैक्सीन अभी उपलब्ध नहीं है। इसके लिए ग्लोबल टेंडरिंग की जरूरत होगी। यही वजह है कि अब दुनिया भर से वैक्सीन मंगाई जाएगी। आपको बता दें कि ग्लोबल टेंडरिंग के जरिए सरकार शुरुआत में 4 करोड़ और बाद में 9 करोड़ वैक्सीन खरीदेगी। 1 मई से शुरू होने वाले वैक्सीनेशन अभियान के लिए सरकार ने पहले ही 1 करोड़ वैक्सीन का ऑर्डर दे रखा है। इसके लिए सरकार 50-50 लाख कोविशील्ड वैक्सीन और कोवैक्सीन खरीद रही है, जो उसे 30 अप्रैल तक मिल जाएगी। उत्तर प्रदेश सरकार ने 18 वर्ष से अधिक आयु के लोगों के टीकाकरण के लिए वैक्सीन का ऑर्डर टीका बनाने वाली कंपनियों को कर दिया है। जनता के उत्तम स्वास्थ्य और सुरक्षित भविष्य को ध्यान में रखते हुए मैं लोगों से उत्साहपूर्वक टीकाकरण अभियान से जुड़ने की अपील करता हूं। मुझे पूर्ण विश्वास है कि सभी के सम्मिलित प्रयासों से हम कोविड-19 के खिलाफ देश की इस लड़ाई को जीतने में सफल होंगे। ग्लोबल टेंडर माने कि आप पूरे विश्व में ये पता चलाना चाहते हैं या आपकी रिक्वायरमेंट आप दे रहे हैं और उसमें कोई भी पार्टिसिपेट कर सकता है, पर ग्लोबल टेंडर करने में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के गाइडलाइंस होते हैं। और क्योंकि यूपी मेडिकल सप्लाईज कॉरपोरेशन पहले भी कुछ इक्विपमेंट को लेके कई साल पहले उन्होंने अपना ग्लोबल टेंडर किया है, उसका अनुभव भी उनके पास है और स्ट्रिक्टली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के गाइडलाइन को लेके वो अपना ग्लोबल टेंडर की प्रक्रिया उन्होंने प्रारंभ कर दिया है। राज्य सरकार पहले ही ऐलान कर चुकी है कि जिन लोगों की उम्र 18 साल से अधिक है उन सभी को मुफ्त में यूपी में टीका लगाया जाएगा। उत्तर प्रदेश में अब तक 1,17,77,000 लोगों को कोरोना वैक्सीन दी जा चुकी है। इनमें 97,79,000 वैक्सीन पहली डोज के रूप में लगी है, जबकि 19,97,000 वैक्सीन दूसरी डोज के रूप में। महामारी के इस दौर में वैक्सीन सबसे ज्यादा जरूरी है। यही वजह है कि कोरोना की जंग में योगी सरकार वैक्सीन पर सबसे ज्यादा जोर दे रही है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने मेरी अध्यक्षता में इस वैक्सीनेशन को लेकर एक कमेटी बनाई थी, उसमें माननीय जयप्रताप जी और माननीय सिद्धार्थनाथ सिंह जी हैं। तो हम लोगों ने यही संस्तुति की है कि जो पहली तारीख को वैक्सीनेशन माननीय प्रधानमंत्री जी ने 18 साल से ऊपर के लोगों का अनाउंस किया है, उत्तर प्रदेश सरकार उसको पूरी शिद्दत के साथ लागू करेगी। और हमने पहले फेज में 50-50 लाख वैक्सीनेशन का आर्डर दे दिया है, 50 लाख वैक्सीन कोविशील्ड की और 50 लाख कोवैक्सीन की। लेकिन साथ ही वैक्सीन की बर्बादी को लेकर भी सीएम योगी पूरी तरह से गंभीर दिख रहे हैं। उन्होंने अधिकारियों को साफ हिदायत दी है कि किसी भी सूरत में वैक्सीन की बर्बादी न होने पाए। 1 मई से शुरू हो रहे वैक्सीनेशन के चौथे फेज में यूपी में करीब 9 करोड़ लोगों को वैक्सीन की डोज दी जाएगी। अभी सरकार की तरफ से 1 करोड़ वैक्सीन की डोज का ऑर्डर दिया गया है, बाकी वैक्सीन की कमी को पूरा करने के लिए ग्लोबल टेंडर का सहारा लिया जाएगा। हालांकि भारत में भी रूस की स्पुतनिक वैक्सीन को ही इमरजेंसी इस्तेमाल की इजाजत मिली है, लेकिन आने वाले वक्त में फाइजर, जॉनसन एंड जॉनसन समेत कई कंपनियों की वैक्सीन को इमरजेंसी इस्तेमाल की इजाजत मिल सकती है। ऐसे में यूपी सरकार ने अभी से वैक्सीन खरीदने की तैयारी कर ली है। वहीं वैक्सीन के अलावा सरकार का जोर स्वास्थ्य सेवाओं को दुरुस्त करने पर भी है।
सरकार ऑक्सीजन की सप्लाई को लेकर लगातार निगाह बनाए हुए है। हमारे पास ऑक्सीजन की जो है मात्रा में कमी आ रही थी, डॉक्टर संदीप तिवारी साहब ने जब कहा कि इसको जल्दी करना है तो कमिश्नर और हमारे जिलाधिकारियों ने बैठकर इसका समाधान निकाला। ये जमशेदपुर से टैंकर विशेष रूप से मंगाए गए हैं, दोनों को भरा जा रहा है। आगे आने वाले समय में अब हम ऑक्सीजन की कमी नहीं होने देंगे। साथ ही सरकार ने प्रदेश में 33,000 अतिरिक्त बेड तैयार करने का आदेश दिया है, मतलब कोरोना के विरुद्ध युद्ध जैसी तैयारियां हैं। लेकिन इन तैयारियों के नतीजे कितने कारगर होंगे, इसके लिए इंतजार करना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा।